नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज। ये बड़ी खबर, जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक की, और साथ ही मंत्रिमंडल में 5 से 6 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार यूपी के नए प्रभारी के नाम पर भी मंथन लगातार जारी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां जल्द ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण, केंद्रीय नेतृत्व से उनकी मुलाकात भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, खासतौर पर मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी भी सामने आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में आज शाम को कई अहम मुलाकातें करते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात जो है होती नजर आएगी। गृह मंत्री अमित शाह से जो मुलाकात है वो संभव बताई जा रही है। और ये दिल्ली दौरा जो है खासा महत्वपूर्ण देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे, और अब चूंकि 5 राज्यों के चुनाव भी निपट गए हैं तो ऐसे माना जा रहा है कि अब कभी भी उत्तर प्रदेश में जो संभावित मंत्री मंडल विस्तार है वो देखने को जो है मिलता हुआ नजर आ सकता है। 4 से 5 मंत्री जो है वो आज जो है उत्तर प्रदेश में जो है नए आज जो है देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। कई सारे नाम इसमें निकलकर सामने आते हैं। ओपी राजभर की बात करें, लंबे समय से आज जो है वेट वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको जो है मंत्रिमंडल में जगह जो है कहीं ना कहीं जो है मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा दारा सिंह चौहान की बात करें या फिर आकाश सक्सेना की बात करें, ऐसे कुछ ये नाम है जो लगातार चर्चाओं का विषय बने हुए हैं कि जो जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट एक्सपेंशन होगा उसमें जो है इन तमाम जो चेहरे हैं उनको जगह जो है मिलती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है दिल्ली दौरे पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली दौरे पर कई अहम मुलाकातें होंगी और जो रात्रि ठहराव है वो भी मुख्यमंत्री का जो है दिल्ली में ही देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और देखिए स्पष्ट जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि प्रभारी के नाम पर भी लगातार मंथन जारी है। क्या नए प्रभारी के नाम पर कोई भी अभी तक नाम सामने आ पाया हो कि किन किन के नाम जो है इस दौड़ में शामिल है? देखिए, संगठनात्मक विषय है, जेपी नड्डा के साथ में जो है मुलाकात के दौरान उठते हुए निश्चित तौर पर नजर आएंगे। चूंकि अब जो लोकसभा चुनाव है बेहद नजदीक रह गए हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। ऐसे में जो पिछली बार का परफॉर्मेंस था वो एक बार फिर से रिपीट होता हुआ नजर आए, उससे ज्यादा अच्छी जो सीटें निकलकर सामने आए। उसमें संगठन का जो विस्तार है वो भी जल्द जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ सकता है। उसको लेकर भी चर्चा है, दिल्ली दौरे पर जब आए तो निश्चित रूप से देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। लेकिन अभी जो दिल्ली दौरा है, अचानक दिल्ली मुख्यमंत्री जो है आते हुए नजर आते हैं, तो निश्चित तौर पर जो कैबिनेट एक्सपेंशन है उसके साथ साथ संगठन विस्तार है इनको लेकर तो देखने को मिलती हुई नजर आई। और हो सकता है कि उसके साथ साथ कुछ केंद्रीय मंत्रियों से अगर मुलाकात होती तो प्रदेश के जो विकास संबंधित कार्य होते हैं उनको लेकर भी चर्चा होती हुई नजर आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब जो मिशन 2024 लोकसभा चुनाव है उसमें पूरी तरीके से जुटती हुई नजर आ रही है। उसी के लिए जो कैबिनेट एक्सपेंशन भी होगा या फिर संगठन विस्तार भी होगा, उसमें तमाम जो प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, जातिगत समीकरण की बात करें, क्षेत्रीय समीकरण की बात करें, मैसेज देने की जो कोशिश होती है वो बिल्कुल देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। बिल्कुल स्पर्श, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर है, इस दौरान जहां वो कई केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय नेतृत्व के साथ अहम मुलाकात करेंगे, और खासतौर पर उनके इस दिल्ली दौरे के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। विशेष तौर पर अगर बात की जाए तो योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही संभव है, और ऐसे में 5 से 6 नए चेहरे इस बार मंत्रिमंडल में शामिल भी किए जा सकते हैं। बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता दें, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जनता ने परिवर्तन के लिए वोट डाला है, बीजेपी के लिए ये एक चिंता का विषय है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग है, फिर परिवर्तन के लिए वोट करेगी जनता। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर चुनाव के परिणाम पर यह बयान देते हुए कहा कि जनता ने परिवर्तन के लिए वोट डाला है और मध्य प्रदेश
कि अगर समीकरणों की बात की जाए, वहां की परिस्थितियों की बात की जाए, तो अखिलेश यादव का कहना है कि वहां की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन जनता परिवर्तन के लिए वोट डाल रही है और ऐसे में बीजेपी के लिए ये एक चिंता का विषय है। परिवर्तन के लिए मतदान हुआ है, परिवर्तन के लिए जनता ने वोट दिया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो जहां परिवर्तन हुआ है, राजस्थान परिवर्तन हुआ है, तेलंगाना में परिवर्तन हुआ है, मध्य प्रदेश की अलग परिस्थितियां हैं, मध्य प्रदेश में दूसरे तरह की परिस्थितियां होती तो परिवर्तन वहां भी दिखता। ज्यादातर जो लोग हैं जिन्होंने बातें रखी हैं चुनाव के परिणामों पर, उन्होंने यही कहा कि परिवर्तन का मतदान हुआ है, परिवर्तन का वोट है, तो इसलिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रदेश स्तर पर ये परिवर्तन का वोट है तो कल जब दिल्ली का चुनाव होगा तो एक बार फिर जनता परिवर्तन के लिए वोट डालेगी। और सवाल वही है, किसान की आय दोगुनी होना, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलना, चरम सीमा पर महंगाई है आज भी, जो बिजली की सुविधा मिलनी चाहिए थे या सस्ती बिजली उपलब्ध होनी थी वो नहीं है, अल्पसंख्यक अभी भी दुखी है। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां गलत फैसलों के कारण कांग्रेस की हार हुई है। समाजवादी पार्टी ऐसे कई आरोपों के साथ कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ट्रांथ ने कहा कि कांग्रेस को ज्यादा सीट मतलब बीजेपी को सीधा फायदा। उधर अमेठी में बीजेपी नेता विजय विक्रम सिंह ने जाफर मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की धान की खरीद का जायजा लिया और साथ ही धान केंद्रों पर किसानों से धान खरीद में लापरवाही पाए जाने पर नाराजगी भी जाहिर की। बीजेपी नेता ने कहा कि शत प्रतिशत धान खरीदना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ने अभी जाफरगंज मंडी का निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान मैंने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि शत प्रतिशत धान की खरीद हो, अगर कहीं कोई अनियमितता पाई गई तो जो भी दोषी होगा वो दंडित किया जाएगा। किसान के शत प्रतिशत धान की खरीद हो इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। सभी किसानों का धान मंडी में एमएसपी रेट पे खरीदा जाएगा और पूरी तरह से किसी किसान को परेशानी ना हो इसके लिए हमारी सरकार तत्पर है और वो चाहती है कि हर किसान को उसके उपज का लाभकारी मूल्य मिले। रुक करेंगे बड़ी खबर का, लखनऊ से बड़ी खबर, काशी अयोध्या के बीच हेलीकॉप्टर सेवा, ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये सर्विस शुरू की जाएगी। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे लोकार्पण, तो लोकार्पण के बाद उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। नमो घाट पर बनाए गए 3 हेलीपैड, 45 मिनट में पूरा होगा 220 किलोमीटर का सफर, ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां काशी से अयोध्या तक अब हेलीकॉप्टर की सुविधा शुरू की जाएगी। काशी अयोध्या के बीच ये हेलीकॉप्टर सेवा 17 दिसंबर से शुरू होनी है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसकी सर्विस को भी शुरू कर दिया जाएगा। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी इसका लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। आपको बता दें कि नमो घाट पर 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं और ऐसे में महज 45 मिनट में 220 किलोमीटर का सफर हेलीकॉप्टर के जरिए तय किया जाएगा। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीपैड सेवा का लोकार्पण करेंगे और लोकार्पण के बाद उड़ान को हरी झंडी दिखाई जाएगी। नमो घाट पर 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं जहां से हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। जौनपुर में वृद्ध ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, परिजनों ने दर्ज कराया मुकदमा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बांदा में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने निकाली जल यात्रा, जनपद के बच्चों को किया गया शामिल, जल को लेकर किया गया जागरूक।
रायबरेली में राष्ट्रकर्णी सेना ने कैंडल मार्च निकालकर किया प्रदर्शन। कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या पर एनआईए जांच की रखी मांग। पीलीभीत में भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं की खुली पोल। पशुओं के इलाज के लिए नहीं पहुंच रही निःशुल्क उपचार एम्बुलेंस सेवा। शिकायतकर्ताओं को सिर्फ दिया जा रहा आश्वासन। बागपत में ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर। दो मजदूर हुए घायल। इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। लखनऊ में अवैध रूप से बने मकानों पर चला बुलडोजर। सौंदर्यीकरण को लेकर अवैध मकानों का हुआ विध्वस्तीकरण। मौके पर भारी पुलिस बल रहा मौजूद। गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद की गाड़ी ने मासूम को रौंदा। हादसे में हुई मौत। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। कौशाम्बी में घर से युवक का शव हुआ बरामद। पुलिस अधीक्षक और सीओ ने घटनास्थल का लिया जायजा। कोइलाहा गांव का मामला। गाजियाबाद में व्यापारी से मारपीट का मामला। तीन अज्ञात बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस को मिली तहरीर। सहारनपुर में रेलवे स्टेशन पर आग बुझाने को हुई मॉकड्रिल। आपातकालीन सेवाओं पर अधिकारियों को परखा गया। पीलीभीत में लगातार फलदार वृक्षों का कटान जारी। लगभग 45 पेड़ों की हुई कटाई। मामले में प्रशासन बेसुध। इटावा में व्यापारी संगठन ने मिलकर पीएम के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष के परिवार को मुआवजा देने की रखी मांग। आगरा में राजस्थान में हुए करनी सेना के अध्यक्ष हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश। दोषियों के खिलाफ रखी फांसी की मांग। कासगंज में फंदे पर लटकता मिला महिला का शव। परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। बदायूं में सांड के हमले से बचने के लिए तालाब में कूदा किसान। गहरे पानी में डूबने से हुई मौत। परिजनों में छाया मांग। मैनपुरी में बाइक सवार दो लिटोरों को पुलिस ने धर दबोचा। कब्जे से भारी मात्रा में आभूषण कारतूस तमंचा हुई बरामद। फिरोजाबाद में वाहन चोर गैंग का हुआ पर्दाफाश। तीन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान मिली सफलता। कानपुर में कांग्रेस कमेटी ने किया प्रदर्शन। महंगाई को लेकर जताई नाराजगी। प्रशासन के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां महोबा में दो दिवसीय किसान मेले का शुभारंभ किया गया। सदर विधायक राकेश गोस्वामी और डीएम मृदुल चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर मेले की शुरुआत की, जिसमें जनपद के तकरीबन 400 किसानों ने हिस्सा लिया। सरकार की योजनाओं के स्टॉल भी इस दौरान लगाए गए। यही नहीं, बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों ने अपने प्रदेश का प्रदर्शन भी किया और इसके साथ ही बागवानी फसलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 कृषकों को विधायक ने शॉल भेंट कर सम्मानित किया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बाबा साहब से उस पर कार्यक्रम था तो सम्मानित के लिए हमको फोन आया था कि आपने पिछले साल जो प्याज की खेती की थी उसके ऊपर शॉल से सम्मानित किया। जब साधन सुविधाएं अगर अच्छी बनाएंगे और पानी की व्यवस्थाएं होंगी तो खेती करने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा से अगर उसमें खाद पानी और समय से काम किया जाए, मेहनत किया जाए तो अच्छा रिजल्ट अच्छा निकलता है। जो हमने किया है प्याज में वो हम बता रहे हैं। एक एकड़ में प्याज लगाई थी जो 1,20,000। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला को विराजमान किया जाएगा। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी जोरों से चल रही हैं और इस बीच अखंड ज्योति के लिए राजस्थान के जोधपुर से शुद्ध गाय का 600 किलो देसी घी महर्षि संदीपनी द्वारा रामधाम गौशाला से घी को अयोध्या लाया गया। 108 कलश में भरकर 600 किलो गाय का देसी घी अयोध्या पहुंचा, जहां राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने कार सेवक पुरम से उनका भव्य स्वागत किया। और यही नहीं, देश के कोने कोने से राम मंदिर और भगवान राम के लिए चीजें भेजी जा रही हैं। थाईलैंड में बसाई गई अयोध्या की रज और कंबोडिया से भी हल्दी ट्रस्ट को अब तक दी गई है। जय श्री राम। ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला बनाड़ जोधपुर राजस्थान से
27 नवंबर को यह पद यात्रा हमने प्रारंभ की, जो भगवान श्री राम लला के काम आने वाला दिव्य घी हमने 9 साल में जो एकत्रित किया है, वो आज हम अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं और भगवान श्री राम के चरणों में शीघ्र ही घी अर्पण करने की योजना तैयार की जाएगी। खास में खास, विशेष में विशेष, भगवान श्री राम की कृपा जो हनुमान जी महाराज के ऊपर बरसी और उनकी कृपा से काली कपिला गौ माता दूध देती हैं और 6 वर्षों से देती आई, और उनके घी से ही भगवान श्री राम लला की पहली आरती होगी। जय श्री राम। इन कलशों के अंदर 108 कलश हैं, रथों के अंदर 108 कलश हैं, जिसमें 600 किलो घी है, और भगवान श्री राम के कार्य में यह घृत 9 साल से एकत्रित हो रहा है। जब आप लोगों सपने में नहीं सोच सकते थे कि भगवान श्री राम का मंदिर कब बनेगा, तब हमारे वीर बजरंगबली ने, पवन सुत हनुमान जी ने महाराज ने सूचना दी थी कि राम मंदिर शीघ्र ही बनेगा, जिसके यज्ञ के लिए आपको घी एकत्रित करना है, और उनके आदेश का पालन हमने किया और उन्होंने ही कटनी में जाने वाली गौ माता की रक्षा की और 60 गायों से गौशाला खुलवाई 2014 में, और आज गौशाला के अंदर 350 गाय हैं और उनकी ही कृपा से। और मैं तो यही कहूँगा सभी सनातनियों को, सभी देशवासियों को, कि गौ माता की सेवा, गौ माता की रक्षा और उनकी कृपा से, उनकी कृपा से हमारे भाग्य में आज राम मंदिर के कार्य में घृत लिखा गया है कि राजस्थान की पावन भूमि से भगवान श्री राम के कार्य में घी एकत्रित हुआ है और काम आ रहा है। ना गौशाला खुलती, ना गौ माता की रक्षा होती, और ना मैं कह सकता था कि आज मैं अयोध्या की पावन भूमि पर पहुंच पाता। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की, ज्ञानवापी मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज 5 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। ये बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले में इस वक्त की बड़ी अपडेट, आज ज्ञानवापी मामले को लेकर 5 याचिकाओं पर सुनवाई हुई, तो ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां ज्ञानवापी मामले में आज 5 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। तो यहां आपको बता दें कि 8 दिसंबर को भी इस पूरे मामले पर यह सुनवाई जारी रहेगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है ज्ञानवापी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट, आज 5 याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई हुई, और ऐसे में 8 दिसंबर को भी इन 5 मामलों पर सुनवाई जारी रहेगी, बहस जारी रहेगी। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां आज ज्ञानवापी मामले में 5 याचिकाओं पर सुनवाई की गई, और जानकारी के मुताबिक 8 दिसंबर को भी बहस जारी रहेगी। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ज्ञानवापी मामले से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां आज ज्ञानवापी मामले से जुड़ी 5 याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई हुई, तो वहीं जानकारी के मुताबिक 8 दिसंबर को भी इन 5 याचिकाओं पर बहस जारी रहेगी। इसी खबर पर सदर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए। सैयद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज 5 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है और जानकारी के मुताबिक कल भी बहस जारी रहेगी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जागृति बता दे, जहाँ ज्ञानवापी समेत पोषणीयता मामले पर सुनवाई हुई है, इसके समेत 4 अन्य याचिका यानी कुल 5 याचिकाओं पर आज बहस भी हुई है। मुस्लिम पक्ष के यानी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से सीनियर एडवोकेट फरमान नकवी ने अपना तर्क रखा है, तो साथ ही सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड की ओर से पुनीत गुप्ता अधिवक्ता ने अपना तर्क रखा था, और हिंदू पक्ष की ओर से विजय शंकर रस्तोगी आज कोर्ट में पेश हुए थे, मगर सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड की ओर से जो अधिवक्ता हैं पुनीत गुप्ता, उन्होंने रिज्वाइंडर के लिए कोर्ट से कुछ समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने कल की तारीख नियत की है, और वहीं इस पूरे मामले पे कल भी सुनवाई जारी रहेगी। जी जागृति, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सैयद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां ज्ञानवापी मामले में आज 5 याचिकाओं पर सुनवाई हुई, तो वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से समय मांगा गया, जिसके बाद अब कल यानी कि 8 दिसंबर को भी इन याचिकाओं पर बहस जारी रहेगी।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ज्ञानवापी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां हाईकोर्ट में आज इन पांच याचिकाओं पर सुनवाई हुई। तो वही जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि कल यानी कि 8 दिसंबर को भी बहस जारी रहेगी, जहां सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से समय मांगा गया और जिसके बाद 8 दिसंबर यानी कि कल का समय दिया गया है, जहां फिर से इस पूरे मामले पर बहस शुरू होगी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।